नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी तक न्यूज नेटवर्क, हर पल आपके साथ, और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। गुरु ग्रंथ गुरुद्वारा पानवदास आश्रम के कार्यवाहक महंत मुख्य पुजारी और सनातन हिंदू वाहिनी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। दिनांक 23 सितंबर 2024 को धामपुर स्थित गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा पानवदास आश्रम के कार्यवाहक महंत बुद्धदास महाराज, मुख्य पुजारी पूरन दास और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महंत संजय नाथ ठाकुर और मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष कुलदीप चौधरी, मनोज बच्चन दास सहित सनातन हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता बिजनौर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दे जानकारी से अवगत किया। आने वाली 25 तारीख को सुबह 10 बजे को धामपुर से लखनऊ के लिए पदयात्रा की जाएगी। जिलाधिकारी ने इसका कारण पूछा तो पूरनदास ने बताया कि हमारे आश्रम की भूमि और संपत्ति पर काफी लंबे समय से कुछ दबंग भूमाफिया कब्जा करना चाह रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रशासन को दी जा चुकी है। न्यायालय द्वारा भी सभी आदेश हमारे पक्ष में आए हैं। इसके पश्चात भी ये लोग हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और आश्रम पर कब्जा करना चाह रहे हैं। दिनांक 22 सितंबर 2024 को भी हमारे आश्रम जो ग्राम हरपुर स्थित है उस पर लगभग 200 लोग कब्जा करने पहुंच गए थे, लेकिन हमारे द्वारा पुलिस को सूचना दी जाने पर वो लोग भाग गए और वहां पर लेखापाल जी पहुंचे थे। माननीय जिलाधिकारी जी को उत्तर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई, जिसके उपरांत माननीय जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल SDM जी संपर्क कर उन्हें सारी बातों से अवगत कराया और जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये कहा गया कि आप लोग आश्रम पर जाएं और 3 बजे SDM और CO वहां उपस्थित होकर सभी जानकारियां लेने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। इसके बाद SDM महोदय आश्रम पहुंची और सारी बात ध्यान पूर्वक सुनी। इसके पश्चात उन्होंने पदयात्रा ना करने का भी निवेदन किया, लेकिन हमने कहा हम अपनी पदयात्रा रोक देंगे। यदि आप कल दिनांक 24 तारीख तक सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उचित कार्रवाई करें तो SDM द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। इस अवसर पर बिजनौर जिला अध्यक्ष कामेश कुमार, मंडल उपाध्यक्ष अजीत देवल, मनोज कुमार धामपुर तहसील अध्यक्ष मौजूद रहे।